अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है हमने प्रोटीन्स की अबाउट स्टडी करना है। तो ये कुदरती तौर पे पाए जाने वाली सबसे पेचीदा सब्सटेंस है, ठीक है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसमें अमाइनो एसिड होगा, उसके जो रेजिड्यूज़ होंगे वो पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए होंगे। तो कुदरती तौर पे पाई जाने वाली कम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसमें अमाइनो एसिड के जो ग्रुप में यानी कि जो रेजिड्यूज़ हैं वो जुड़े हुए हों पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए से, उसे प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन जो है ये सारे जानदारों में होती है और इसके अंदर बहुत से एसेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड भी जो है आ जाते हैं, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये सारे जानदारों में होती है और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, बायोलॉजिकल कंपाउंड जैसे कि एंटीबायोटिक, एंजाइम्स और हार्मोन। और फिर वो कह रहे हैं कि जो 200 से 300 अमाइनो एसिड है ना, उसमें से जस्ट 20 कुदरती तौर पर पाए जाने वाले होंगे, ठीक है, और वो प्रोटीन बनाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास अमाइनो एसिड, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, ठीक है, और इसके साथ साइड चेन होगी जो कि स्पेसिफिक होगी हर अमाइनो एसिड के लिए। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप भी हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, और उसकी जो साइड चेन हो वो स्पेसिफिक हो हर अमाइनो एसिड के लिए, उसे अमाइनो एसिड कहेंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, यानी कि ये प्रोटीन को बनाते हैं। अब इसका फार्मूला देखें, NH2 अमाइनो ग्रुप, CHR COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। नेक्स्ट है पेप्टाइड लिंकेज। तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, जब अमाइनो ग्रुप जो है एक अमाइनो एसिड का वो रिएक्ट करता है दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, और पानी का मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड जो कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान बनेगा, जब एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलेगा और पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, इसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे या पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो ये देखें, एक अमाइनो ग्रुप के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH आ रहा है, दूसरे से हाइड्रोजन जा रहा है, ये पानी की शक्ल में रिलीज हो रहे हैं, और ये क्या हुआ, ये बॉन्ड बन रहा है H2NCHR CONH CHR COOH। तो ये जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड OH, इसे हम अमाइड कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप्स हैं इसकी, कुछ बेसिस पर अमाइनो एसिड के, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इन्हें ह्यूमन बॉडी बना सकती है, और ये 20 जो नेचुरली ऑस्करिंग है जो कि प्रोटीन बनाते हैं उसमें से ये 9 है। और नॉन एसेंशियल कौन से होंगे, ये इन्हें जो है एसेंशियल को ह्यूमन बॉडी नहीं बना सकती, एसेंशियल को ह्यूमन बॉडी नहीं बना सकती, ठीक है, और जो बना सकती है वो नॉन एसेंशियल होते हैं। और वो कितने होते हैं, 11, और एसेंशियल कितने होते हैं, 9 होते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होती हैं उनका दूसरा नाम है नेटिव प्रोटीन। फिर वो कह रही हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बेस पर इसकी फर्दर टाइप्स हैं, फंक्शनल प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है इसकी आगे टाइप्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये मतलब कि अहम करदार अदा करती हैं स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे कि फाइब्रस प्रोटीन ये जो है थ्रेड लाइक होती हैं, जैसा कि कोलाजन, एक्टन, मायोसिन, फाइब्रिनोजिन, कैरेटिन। ग्लोबुलर जो हैं ये राउंड शेप होती हैं, इसके अंदर आता है हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और इंसुलिन। नेक्स्ट जो है फंक्शनल प्रोटीन है, ये जो है कम्प्लेक्स मिक्सचर है बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन का, जो कि अहम करदार अदा करता है मेंटेन करने में और सपोर्ट करने में नॉर्मल इम्यून फंक्शन। तो जो कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन का, जो कि इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में अहम करदार अदा करता है और उसे सपोर्ट करने में, उसे हम फंक्शनल प्रोटीन कहेंगे। इसके अंदर मायोग्लोबिन आ जाता है और हेमोग्लोबिन आ जाता है। नेक्स्ट लीजेंट है, ये क्या है, लीजेंट पढ़ने से पहले मैं पहले पिछला सारा रिपीट कर देती हूँ, फिर ये हम देखते हैं। तो इस सारे में हमने क्या देखा है कि ये अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज़ प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, और जो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन है उन्हें नेटिव प्रोटीन भी हम कहते हैं, और इसके अलावा ये लिविंग सिस्टम में पाई जाती हैं हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडीज़ की शक्ल में, और ये ज़्यादातर पार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है बना रही होती हैं। 60-70% 200 से 300 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होती है, लेकिन 20 नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड होंगे जो कि प्रोटीन बनाएंगे। नेक्स्ट इसमें हमने देखा था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का, फिर हमने इसकी टाइप्स देखी थी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल की फिर फर्दर देखी थी हमने फाइब्रस और ग्लोबुलर। और इसके अलावा इसमें हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, इसमें एक अमाइनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और साइड चेन होगी जो कि स्पेसिफिक होगी हर अमाइनो एसिड के लिए, और इसका फार्मूला देखा था H2NCHRCOOH।
ठीक है, तो इससे फिर वो कह रही हैं कि पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है कि एक अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन, दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH आ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा। ये वो लिंकेज है और इसमें ये जो पोर्शन है सी डबल बॉन्ड NH, ये अमाइड वाला है। तो नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स हैं एजेंशियल और नॉन एजेंशियल की, एजेंशियल वो होते हैं जो बॉडी नहीं बना सकती हमारी, और ये 9 है 20 में से, और नॉन एजेंशियल वो होती हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है, और ये 11 है। और फिर नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन को नेटिव प्रोटीन भी कहते हैं, और इसकी बेस पे ये टाइप्स हैं प्रोटीन की जो कि हम देखते हैं। पहले जो है इसके अंदर आती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये स्ट्रक्चर बनाती है, और ये किस फॉर्म में होगी, ये होगी ग्लोबुलर फॉर्म में और थ्रेड लाइक फॉर्म में, जिसे हम फाइब्रस कह रही हैं। तो जो फाइब्रस होती है ये थ्रेड लाइक होती है, इसके अंदर कोलेजन, फाइब्रिनोजन, कैराटिन, ठीक है, एक्टिन, मायोसिन, ये सब आ जाते हैं। ग्लोबुलर जो है ये राउंड होती है शेप में, इसके अंदर इंसुलिन, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आ जाता है। और नेक्स्ट जो है फंक्शनल प्रोटीन है, फंक्शनल प्रोटीन जो होती है ये नॉर्मल इम्यून सिस्टम को सपोर्ट और मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करती है, और ये मिक्सचर है बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने अलग से चीज़ स्टडी, तो इस सारे में हमने क्या देखा, पहले प्रोटीन की डेफिनेशन देखी, और फिर हमने उसका देखा था कि उसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, और फिर अमाइनो एसिड के बारे में हमने देखा था, फिर एजेंशियल नॉन एजेंशियल अमाइनो एसिड, फिर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन की बेस पर इसकी टाइप्स हमने देखी कौन कौन सी, एक जो थ्रेड लाइक होंगे यानी कि फाइब्रस, और एक यानी कि एक स्ट्रक्चरल और एक ग्लोब, वो फंक्शनल स्ट्रक्चरल वाली फाइब्रस और ग्लोबुलर, और जो फंक्शनल होंगी, ठीक है, जो कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, जिसके अंदर मायोग्लोबिन हेमोग्लोबिन आ जाता है, और जो मिक्सचर होती है बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन का। तो ये सारा हमने देखा, और इसके अलावा हमने इसमें देखा था कि ये इंसानों के जिसम में किस फॉर्म में होती है, तो एंटीबॉडीज इंसान इस सब शक्ल में होती है। तो नेक्स्ट हमने एक अलग चीज़ प्रोटीन की यहाँ पर पढ़नी है, लीजेंड। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से मिलता जुलता, जिसकी प्रोटीन से अफिनिटी होती है, आप उससे मिलता जुलता भी और प्रोटीन के साथ ये कंबाइन भी कर सकता है, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि अफिनिटी की बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं, इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और फिर जो इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसकी एक टाइप है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसकी फिर दो टाइप्स है, टाइप 1 और टाइप 2। तो पहले इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, फिर इंटेग्रल के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, फिर उसकी दो टाइप्स टाइप 1 और टाइप 2। तो ये बहुत ईजी सा और इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं इंटेग्रल क्या होती है, जो कि परमानेंटली अटैच होती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ, और इसे आइसोलेट करने के लिए आपको डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ता है, आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करनी पड़ती है, डिनेचरिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसमें देखें ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो जो परमानेंटली अटैच हो और जिसे रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट, आयोनाइजिंग रेडिएशन और जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करना पड़े, वो हमारे पास इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी। ट्रांस मेम्ब्रेन क्या होती है, ये भी इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि परमानेंटली तौर पर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी, और ये इस तरह से होती है कि ये उससे अंदर और बाहर से क्रॉस कर रही होती है, और ये ऐसे होती है जैसे सेल मेम्ब्रेन को ना ये वेव कर रही हो यानी कि बुन रही हो। तो ये भी परमानेंटली अटैच है और ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन है, और ये इस तरह से होगी कि उसे इन और आउट क्रॉस करेगी, यानी कि उसे वेव कर रही होगी, बन रही होगी। तो ये आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो सारी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो इंटेग्रल होती है, लेकिन सारी इंटेग्रल ट्रांस नहीं होती, यानी कि सारी वेविंग फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमने इस ट्रांस वाले की फिर दो टाइप्स देखनी है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 है, अच्छा, अब इसमें होते तो दो ही चीज़ें यार, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर अमाइनो ग्रुप बाहर हो सेल मेम्ब्रेन के और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अंदर हो तो इसे टाइप 1 कहेंगे, और टाइप 2 में क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप अंदर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर, ठीक है। तो इसमें अमाइनो ग्रुप अंदर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर, ये टाइप 2 होगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइप 1 वाली में जो है अमाइनो ग्रुप बाहर हैं, और जो टाइप 2 है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर है। ये यहाँ पर आप इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर ये वो इंटेग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर था, ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन तो है लेकिन मेम्ब्रेन प्रोटीन तो है लेकिन सर ट्रांस भी है। नेक्स्ट जो है हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को देखेंगे, जो कि आरजी तौर पर अटैच हो, ठीक है। अब ये देखें, इंटेग्रल बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर परमानेंटली अटैच है, और पेरिफेरल वाली बाहर, मतलब पड़ी है, टेम्पोरेरी अटैच है। तो इस सारे को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास लीजेंड क्या था, कि जिसकी अफिनिटी या प्रोटीन की और उसके साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। फिर इसकी आगे हमने टाइप्स देखी थी अफिनिटी की बेस पर, इंटेग्रल
और इंटेग्रल के अंदर ट्रांस, ट्रांस के अंदर टाइप वन टाइप टू, और इसके अलावा पेरीफ्रल। अब जो इंटेग्रल है ये परमानेंटली अटैच होती है, इसे सेपरेट करने के लिए आपको आयनाइजिंग रेडिएशन चाहिए, डिनेचरिंग एजेंट चाहिए, कोई डिटर्जेंट चाहिए, ठीक है। और ये इसकी शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर इसके अंदर ट्रांस आती है जो कि इन और आउट क्रॉस कर रही होगी और वेव वेविंग फॉर्म में होगी, इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। फिर इसके अंदर दो आती हैं टाइप वन टाइप टू, जिसके अंदर जो है NH2 ग्रुप बाहर हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अंदर हो वो टाइप वन, और जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर हो और NH2 अंदर हो वो टाइप टू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और जो पेरीफ्रल है ये टेम्पर आर्जी तौर पर अटैच हैं ये, और ये इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमने इसमें देखना है अमाइनो एसिड जो है ज्विटरान के तौर पर। यहाँ पे हम प्रोटीन अमाइनो एसिड की खसूसियाँ देखेंगे ज्विटरान के तौर पर। तो अमाइनो एसिड जो है ये ज्विटरान के तौर पर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये ज्विटरान के तौर पर मौजूद हैं। COOH से हाइड्रोजन के H2N के साथ अटैच हो गया, तो पहला पॉजिटिव पार्ट, दूसरा नेगेटिव पार्ट। और इसकी ना बाईपोलर नेचर है, देखें दो पोल्स हैं, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे नेगेटिव। और ये बेसिक मीडियम के अंदर एसिड के तौर पर बिहेव करेगा और एसिडिक मीडियम के अंदर बेस के तौर पर बिहेव करेगा, ये आगे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो पहले ये देख लें, तो अब देखें बेसिक मीडिया है OH- वाला, तो इसमें क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को दे देगा और ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर देखें वाटर बना रहा है, तो ये बेसिक मीडिया के अंदर। अब एसिडिक मीडिया के अंदर अब ये क्या करेगा, अब एसिडिक मीडिया के अंदर ये बेस के तौर पर बिहेव करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गेन कर लेगा। तो देखें COO- ने हाइड्रोजन गेन करके COOH बना दिया, ठीक है। तो ये जो हमने अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी देखी ज्विटरान के तौर पर, वो क्या है, वो इसकी बाईपोलर नेचर है। COOH से हाइड्रोजन जाके NH2 के साथ अटैच हो गया, इसकी बाईपोलर नेचर है, और ये एसिड के तौर पर बिहेव करेगा बेसिक मीडियम में और बेस के तौर पर एसिडिक मीडियम में, किस तरह से ये मैंने आपको इन इक्वेशंस में दिखाया। नेक्स्ट हमने अमाइनो एसिड के टाइप्स देखनी है, इसके बाद बस लास्ट होगा वो स्ट्रक्चर प्रोटीन के देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। तो पहले जो है हम देखते हैं इसमें इसकी दो टाइप्स हैं, पोलर अमाइनो एसिड और नॉन पोलर अमाइनो एसिड। जो पोलर अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर आता है एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, और जो नॉन पोलर होते हैं इसके आगे फर्दर सब टाइप्स नहीं है। तो पहले पोलर देख लेते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि वाटर लविंग होते हैं, पानी को गुजरने देते हैं, और 20 में से तकरीबन 11 जो हैं हमारे पास पोलर अमाइनो एसिड हैं। तो 20 में से 11 हमारे पास पोलर अमाइनो एसिड हैं, और इनके अंदर क्या क्या आता है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, ये हाइड्रोफिलिक हैं और ये 20 में से 11 हैं। तो नॉन पोलर कितने होंगे, फिर 9 होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोफिलिक हैं और 20 में से 11 हैं, हम देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर क्या रहा है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिन, दो तो जी वाले हैं ना, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन, ठीक है। अब ए वाले देख लिए, एस्पर्टिक एसिड और आर्जिनिन और एस्परगीन। अब एस्पर्टिक एसिड, एस्परगीन और आर्जिनिन, ठीक है, ये तीनों ए वाले, एस्पर्टिक एसिड, आर्जिनिन, एस्परगीन। तो इस तरह से ना आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम टी वाले कितने हैं, तो वो है थेरियोनिन और थायरोसिन। तो थेरियोनिन और थायरोसिन इसके अंदर टी वाले हैं। एल वाला इसके अंदर एक ही है, लाइसिन, और एस वाला जो है इसके अंदर एक ही है, सेरीन, और एच वाला भी एक ही है, हिस्टाइडिन, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्पर्टिक एसिड, आर्जिनिन और आर एस्परगीन, लाइसिन, सेरीन और थेरियोनिन और सिस्टीन, ठीक है। तो ये और हिस्टाइडिन, ये सारे हैं। और नॉन पोलर के अंदर ये हाइड्रोफोबिक है, पानी को नहीं गुजरने देते, वाटर हीटिंग है, ठीक है, और ये 9 है। और इसके अंदर क्या आते हैं, एलानिन, फिनाइल एलानिन, अब दो थैलानिन वाले हैं ना, एंड एलानिन और फिनाइल एलानिन। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और तो ये दो ल्यूसीन वाले हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और नेक्स्ट है वेलिन और प्रोलिन, वेलिन प्रोलिन, इनमें देखें इन आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है मिथ्यूनिन, इसमें भी इन आ रहा है, तो वेलिन प्रोलिन मिथ्यूनिन, और क्या है, ट्रिप्टोफान और ग्लाइसिन, तो इसमें क्या है, ट्रिप्टोफान और ग्लाइसिन है। नेक्स्ट जो है ये ग्लाइसिन का फार्मूला देखें, इसमें आर की जगह एच लगा दो तो ग्लाइसिन होगा, और अगर आर की जगह आप CH3 लगा दें तो आर्जिनिन, ठीक, सॉरी एलानिन होगा, आर की जगह CH3 तो एलानिन, आर की जगह एच तो ग्लाइसिन। तो इसकी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि आर की जगह आपने CH3 लगाना है तो एलानिन बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने टाइप्स देखनी है पोलर अमाइनो एसिड की, तो इसमें पहले हम न्यूट्रल वाले देख लेते हैं, जिसमें साइड चेन न्यूट्रल होती हैं, कितनी पीएच पर होती हैं, 7.5 की, जिसमें साइड चेन न्यूट्रल हों और वो फिजियोलॉजिकल पीएच पर हों 7.5 की, ठीक है। और इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड चेन्स होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, और जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है,
जिसमें साइड चेन न्यूट्रल है, 7.5 की मतलब कि फिजियोलॉजिकल पीएच पर है, और इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड चेन्स होंगे एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और बैलेंस करने के बाद जो नेट इफेक्ट आएगा वो कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि 11 में से जो 6 हैं वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है, 11 में से 6, जैसा कि एस्प्रागिन, ग्लूटामीन, ठीक है, तो जिसके अंदर न्यूट्रल साइड चेन हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस करें, नेट इफेक्ट ज़ीरो हो और फिजियोलॉजिकल पीएच 7.5 हो। तो इस ये 6 हैं कौन कौन से, एस्प्रागिन, ग्लूटामीन, सिस्टीन, एस्प्रागिन, ग्लूटामीन, सिस्टीन, ठीक है, मेरे साथ रिपीट करते जाएं, और टायरोसिन, सेरीन और थेरियोनिन, टायरोसिन, सेरीन और थेरियोनिन, ठीक है। तो ये आ गया, अब सेरीन का फार्मूला देखें, इसमें आर की जगह CH2OH लगा है। नेक्स्ट जो है एसिडिक अमाइनो एसिड है जिसमें एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होंगे। अब एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और इलेक्ट्रिकल चार्ज भी है, ठीक है, किसी खास फिजियोलॉजिकल पीएच पर। तो पहले एस्पार्टिक एसिड का फार्मूला देखें, इसके अंदर क्या आता है, आर की जगह CH2COOH लगा है, बाकी सारा फार्मूला वैसे है। और ग्लूटामिक एसिड में बस यह है कि एस्पर्टिक में एक CH2 था, इसके अंदर दो CH2 और COOH लगा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड, इसमें एडिशनल कौन सा था, एसिडिक वाला ग्रुप था, COOH था, इसमें बेसिक ग्रुप होगा NH2 वाला, ठीक है, और इसमें एडिशनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप है और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखें आर्जिनिन, इसके अंदर क्या आता है, बाकी सारा फार्मूला वैसे है, तो इसमें आ रहा है CH2-3NH और CNH2NH। नेक्स्ट लाइसिन, इसके अंदर बाकी फार्मूला वैसे ही है, CH2-4 और NH2 आ रहा है। पहले में क्या था, 3 CH2 ग्रुप थे और NH2 था, इसके अंदर 4 CH3 ग्रुप हैं और NH2 है। लाइसिन में 4, ठीक है, लाइसिन में 4 हैं और आर्जिनिन में 3 CH2 के ग्रुप हैं और बाकी NH2 लगा हुआ है, और आर्जिनिन में NH2 के साथ NH और डबल बॉन्ड भी है। नेक्स्ट जो है, अच्छा अगला पढ़ने से पहले बस वो लास्ट है, मैं ये सारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसकी जो है मतलब कि दो बेसिक टाइप हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर के अंदर फर्दर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, नेट इफेक्ट है ज़ीरो होगा। एसिडिक में एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बेसिक में एडिशनल NH2 ग्रुप है, और एसिडिक की एग्जांपल में क्या क्या आ जाता है, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आप लिख लें, ठीक है। एस्पर्टिक एसिड में आर की जगह एक CH2 और COOH, और ग्लूटामिक एसिड में दो CH2 और COOH आएगा, और फिर बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर क्या आ जाती हैं, आप लाइसिन का लिख लेना, उसके अंदर 4 CH2 और NH2 आएगा, और उसके अंदर 3 CH2 और NH2 और NH आएगा आर्जिनिन में, ठीक है। तो ये लाइसिन और आर्जिनिन का आप लिख सकते हैं। और न्यूट्रल जो है इसके अंदर क्या क्या आता है, ग्लूटामीन, सिस्टीन, अब देखिए इनके साथ एसिड या इस तरह की कोई टर्म नहीं है, तो ग्लूटामीन, सिस्टीन और सेरीन, थेरियोनिन और टायरोनिन, टायरोसिन, टायरोसिन और एस्प्रास, टायरोसिन और एस्प्रागिन, ठीक है, टायरोसिन और एस्प्रागिन ये सारे आ रहे हैं न्यूट्रल में। तो बेशक आप इसमें से दो याद कर लें, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ये ईजी हैं। तो नेक्स्ट हमने पोलर का देखा था, हाइड्रोफिलिक होते हैं, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होते हैं। जो पोलर होते हैं ये 11 होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। फिर हमने इनके नाम देखे थे नॉन पोलर वालों के, एलानिन, फेनाइल एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, विलीन, प्रोलिन, मिथ्यूनिन और ट्रिप्टोफान, ग्लाइसिन। और जो हमारे पास थे पोलर, उसमें हमने क्या देखा था, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामीन, सेरीन, थेरियोनिन, सिस्टीन, हिस्टाइडीन, आर्जिनिन, थेरियोसिन, ठीक है, थेरियोसिन और एस्प्रागिन और लाइसिन। नेक्स्ट जो है अब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि लास्ट हैं। तो पहले हम इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, वैसे इसके 4 स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर में आगे की तरफ जाएंगे ये कम्प्लेक्स होते जाएंगे स्ट्रक्चर में, अभी पढ़ने में नहीं, पढ़ने में तो ईजी है, खैर ये। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो इनिशियल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जिसमें जो अमाइनो एसिड होती हैं वो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन की शक्ल में अरेंज होंगे और इनमें सिर्फ कोवेलेंट लिंकेजेस होंगी, ठीक है। तो जिसमें अमाइनो एसिड जो हैं लीनियर फॉर्म में अरेंज हों और उनमें सिर्फ कोवेलेंट लिंकेजेस हों, और इसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, मतलब बनाने वाली। और प्रोटीन इनएक्टिव होती हैं अपनी प्राइमरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए सिंपल चेन है, इसके अंदर ये अमाइड लिंकेज है, सी डबल बॉन्ड NH, तो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ये हमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का बताएगी किस सीक्वेंस के तहत अरेंज हैं
और टाइप का भी बताएगी कि किस किस टाइप के अमाइनो एसिड हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में प्रोटीन की बताएगी, और अमाइनो एसिड का जो पोर्शन उसके अंदर है उसका बताएगी, और इसके जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो बताता है कि इसमें फोल्डिंग कैसे हुई है और इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कैसे हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर मौजूद सीक्वेंस बताएगा इसकी फोल्डिंग का और इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का, जिससे इसके यूनिक 3D स्ट्रक्चर का पता चलेगा। नेक्स्ट है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये उस वक्त बनते हैं जब जो सिस्टीन होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो दूर हो जाते हैं, ठीक है, और ये मतलब कि एंड अप हो जाते हैं फोल्डेड चेन के अंदर, मतलब एक दूसरे से सिस्टीन जब दूर हो जाएंगे तब ये बनेंगी। ठीक है, तो ये आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ने से पहले ये सारा मैं एक बार रिपीट करती हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये अमाइनो एसिड की एक लीनियर चेन है, इसमें जस्ट कोवेलेंट लिंकेजेस होंगे, और इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन है। प्राइमरी फॉर्म में जो अमाइनो एसिड हैं वो इनएक्टिव होते हैं, प्रोटीन भी इनएक्टिव होती है। और नेक्स्ट इसकी हमने इसका फार्मूला देख लें, सिंपल चेन है, मतलब कि अमाइड लिंकेजेस के जरिए से वाटर रिमूव करके केमिकल रिएक्शन कराते जाएँ और चेन जोड़ते जाएँ। सिग्निफिकेंस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का और टाइप का बताएगी, और इसके अलावा फोल्डिंग के बारे में बताएगी और इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का बताएगी। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस होगा वो इस बारे में बताएगा, और इसके अलावा ये हमें प्राइमरी नेचर के बारे में बताएगी, और इसके अलावा और तादाद कितनी है, अमाउंट कितनी है, प्रोपोर्शन कितना है अमाइनो एसिड का, ये भी बताएगी। ठीक है, और इसकी जो मतलब कि सीक्वेंस इसकी फोल्डिंग का जो बताएगा, इससे इसके 3D स्ट्रक्चर का पता चलेगा, और इसके अलावा ये क्या क्या बताएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड की टाइप और सीक्वेंस, और इसके अलावा अमाइनो एसिड का पोर्शन कितना है ये बताएगी। डाइसल्फाइड बॉन्ड कब बनते हैं, जब सिस्टीन एक दूसरे के से दूर हो जाती है और एंड अप हो जाती है फोल्डेड पोर्शन में। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। नेक्स्ट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देख लें। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि ये बहुत सी प्रोटीन चेन की एसोसिएशन है। ठीक है, प्रोटीन चेन की एसोसिएशन है या फिर प्रोटीन सब यूनिट की, तो प्रोटीन चेन्स का इकट्ठ, उसके एसोसिएशन जो कि किसी क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट के अंदर हो, तो जो प्रोटीन चेन की एसोसिएशन होती है किसी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर, उसे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारी प्रोटीन चेन्स जो कि पैक्ड टुगेदर होती हैं किसके अंदर, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट में, बहुत सारी प्रोटीन चेन जब क्लोजली पैक्ड मैनर के अंदर पैक होंगी तो उसे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और हर सब यूनिट का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी हम आगे देखेंगे। ठीक है, हर किसी का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है, और ये जो सब यूनिट्स होते हैं यानी हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल फोर्सेस जो कि होती हैं नॉन पोलर चेन के दरमियान, उन्होंने इन्हें जोड़ा हुआ होता है। किस चीज़, कौन सी चीज़ें इकट्ठा करी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल फोर्सेस नॉन पोलर चीज़ों के दरमियान, नॉन पोलर साइड चेन के दरमियान, जो सुपर फोल्डेड, और ये सुपर फोल्डेड चेन है प्रोटीन की। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं, मोनोमेरिक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अगर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मतलब के सेम होंगी तो वो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होगा। डाईमेरिक में दो मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, ट्राईमेरिक में तीन मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, ओलिगोमेरिक में 50 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड की चेन होंगी, और पॉलीमेरिक में 50 से भी ज़्यादा होंगी। सिमेट्रिकल मोनोमेरिक में सारे पॉलीपेप्टाइड जो हैं सेम होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और एसिमेट्रिक के अंदर मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। और नेक्स्ट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये सुपर फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो इस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को मैं रिपीट कर दूँ, फिर लास्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा, बहुत सी पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर सब यूनिट जो हैं ये क्लोजली पैक्ड मैनर में जब अरेंज होंगी, सॉरी प्रोटीन चेन या फिर प्रोटीन की सब यूनिट जब क्लोजली पैक्ड मैनर में अरेंज होंगी तो ये बनेगा, ये सुपर फोल्डेड चेन है, और इसमें मौजूद हर सब यूनिट का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें ये किस चीज़ से जुड़ी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसकी जो नॉन पोलर साइड चेन है वो जुड़ी हुई होंगी वान डेर वाल्स फोर्सेस से। फिर इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन अगर सेम होती हैं तो मोनोमेरिक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, अगर दो मुख्तलिफ इकसाम की है तो डाईमेरिक, तीन मुख्तलिफ इकसाम की तो ट्राईमेरिक। ठीक है, और 50 मुख्तलिफ हैं पॉलीपेप्टाइड चेन तो ओलिगोमेरिक, 50 से ज़्यादा डिफरेंट हैं तो ओलिगोमेरिक, और अगर सारे पॉलीपेप्टाइड एक जैसे हैं तो सिमेट्रिकल, और अगर एक जैसे नहीं है तो एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट इसका ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो यानी कि कोवेलेंट लिंकेजेस के अलावा कुछ नॉन, अच्छा प्राइमरी में जस्ट कोवेलेंट लिंकेजेस थी, और जो फिर सेकेंडरी हम आप देखेंगे उसके बाद जो हमारे पास टर्शरी, टर्शरी स्ट्रक्चर भी आई थिंक हमने अभी नहीं देखा।
ठीक है, तो सेकेंडरी देख रहे हैं हाँ, उसके बाद हमने क्वार्टरनरी देखा था, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वांडरवाल फोर्सेस थी, तो अब हम सेकेंडरी देख रहे हैं, उसके बाद टर्शरी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि कोवेलेंट लिंकेज के अलावा कुछ नॉन कोवेलेंट लिंकेजेस भी होती हैं। तो जब कोवेलेंट पहले प्राइमरी है ना, उसमें जस्ट कोवेलेंट, फिर सेकेंडरी आ रहा है, इसमें कोवेलेंट भी होंगी नॉन कोवेलेंट भी होंगी। अब इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और बीटा टर्न। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, इसमें वो हेलिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगी, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, और इसमें सिंगल चेन है और वो राइट हैंडेड हेलिक्स की शक्ल में होगी, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो इसके ऊपर होंगे और नीचे होंगे और पैरेलल होंगे हेलिक्स के। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जब राइट हैंडेड हेलिक्स के अंदर हो और हाइड्रोजन बॉन्ड रन कर रही हो वर्टिकली ऊपर और नीचे। ठीक है, तो जब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन राइट हैंडेड हेलिक्स की शक्ल में और हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर और नीचे रन कर रही हो वर्टिकली और पैरेलल उन हेलिक्स के, तो ये अल्फा हेलिक्स तब होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसके मतलब कि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के ग्रुप या एस की शक्ल में मैंने जोड़े हुए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो टर्न्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हैं फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड के दरमियान। तो फर्स्ट से CH4 का H ले लेना है और इधर से NH का H फोर्थ का, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि अगर कंजेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या फिर एसिडिक या बेसिक अमाइनो एसिड मौजूद हो तो अल्फा हेलिक्स नहीं बनेगा। कंजेक्टिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो या एसिडिक, तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें हमने क्या देखा, हाँ इसी तरह से अगर मतलब के इसी तरह से अगर ग्लाइसिन और प्रोलीन जो हैं अगर वो मौजूद होंगे तो फिर ग्लाइसिन और ल्यूसीन है तब भी ये नहीं बनेगा। ठीक है, अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्योंकि ग्लाइसिन के केस में ये बहुत छोटा होता है और प्रोलीन के केस में इसमें हाइड्रोजन नहीं होता। ग्लाइसिन के केस में ये छोटा होगा, प्रोलीन के केस में हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं ग्लाइसिन में इधर आर की जगह एच लगा हुआ है, प्रोलीन जो है जिसके केस में हाइड्रोजन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे मतलब कि जुड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कोई है ही नहीं, तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस इसके अंदर 3 CH2 रिंग की शक्ल में लगा दी है। तो नेक्स्ट जो है हम बीटा प्लेटेड शीट देखते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान हो और मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान हो। ठीक है, तो फिर शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे जो है हम बीटा प्लेटेड शीट्स कहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही अमाइनो ग्रुप को जो है हमने और मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ड्रा किया हुआ है, तो ये ओ और एच के दरमियान, तो RCH, C डबल बॉन्ड NH, फिर CR और फिर CO, फिर NH, फिर CHR, तो इस तरह से आपने बना देनी है और ओ और NH के एच के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाहिर कर देनी है। नेक्स्ट वो बीटा टर्न्स का बता रही हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ए सर्कुलर मैनर में टर्न होगी जिसे हम बीटा टर्न कहेंगे, और ये सबसे आखिर वाले, ठीक है, यानी कि फर्स्ट यानी कि टर्मिनल फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान होगी बीटा टर्न्स। तो ये आप देख सकते हैं कि यूँ आपने कर्व बना देने और फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान ये शो कर देनी है, तो ये बीटा टर्न है। नेक्स्ट, अच्छा आखिरी वो स्ट्रक्चर देखने से पहले ये सारा मैं एक बार रिपीट कर दूँ। तो इस सारे में हमने क्या देखा था कि सेकेंडरी में कोवेलेंट के अलावा नॉन कोवेलेंट लिंकेजेस भी होंगी, फिर इसके 3 टाइप्स हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और बीटा टर्न। जो अल्फा हेलिक्स है उसमें हमने क्या देखा कि वो मतलब कि राइट हैंडेड हेलिक्स बनाएंगे और हाइड्रोजन पर वर्टिकली रन करेंगे और वो पैरेलल होंगे हेलिक्स के स्ट्रक्चर के। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो ग्लाइसिन और प्रोलिन के केस में ये नहीं बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और मतलब कि अल्फा हेलिक्स नहीं बनेगा क्योंकि ग्लाइसिन छोटा होता है और प्रोलीन के केस में क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन ही नहीं होता, और अगर कंजक्टिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या एसिडिक बेसिक अमाइनो एसिड आ गई हैं तब भी नहीं बनेगा अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। और फिर ये ग्लाइसिन और प्रोलीन का देख सकते हैं, ग्लाइसिन में आर की जगह एच है, प्रोलीन में 3 CH2 ग्रुप लगा दी है और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन और मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान। ठीक है, तो एक जैसी और मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो शीट लाइक एक कवरिंग का सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे बीटा प्लेटेड शीट कहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो ये आप देख सकते हैं कि एक जैसी और मुख्तलिफ यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान जो होगी और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये फर्स्ट और फोर्थ बीटा टर्न जो फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड के दरमियान होगी और ये चेन के एंड पर होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड पर। ठीक है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड पर वो टर्न हो जाती है सर्कुलर मैनर में जिसे हम बीटा टर्न कहते हैं, ये फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बताया गया। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर, ये जो है 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का और इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन
बैकबोन होती है, ठीक है, और एक या उससे ज़्यादा प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगे और इसके अंदर प्रोटीन डोमिनेट कर जाती है, और ये फोल्डिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन की जो कि मुख्य इंट्रैक्शन की वजह से होती है। टर्शरी जो है वो एक्टिव और फोल्डेड प्रोटीन है, इसके जो इंट्रैक्शंस हैं वो ये हैं आयोनिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, डाइसल्फाइड लिंकेज और वांडरवाल इंट्रैक्शन। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इसका बैकबोन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक या उससे ज़्यादा जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगे और प्रोटीन डोमेन करेगी, ठीक है, और इसमें जो फोल्डिंग होती है मुख्तलिफ मतलब कि इंट्रैक्शन की वजह से होती है, जैसे कि आयनिक इंट्रैक्शन, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक वाला, हाइड्रोफोबिक, वांडरवाल, चारों की, और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब ये सारी हम देखते हैं, बस ये लास्ट है, वांडरवाल इंट्रैक्शन पहले देख लेते हैं। ये क्यों होता है? ये ट्रांजिएंट डाइपोल बनने की वजह से होगा जो कि बल्कि साइड चेन के दरमियान बनेंगे, ठीक है, बल्कि साइड चेन के दरमियान जो है हमारे पास ट्रांजिएंट डाइपोल बनेंगे, बड़ी बड़ी जो साइड चेन है उनके दरमियान डाइपोल बनेंगे, जिससे क्या होगा कि वांडर वाली इंट्रैक्शन होगी डाइपोल उन चेन्स के दरमियान बन जाने की वजह से। नेक्स्ट आयनिक इंट्रैक्शन है, इनमें जो साइड चेन होती है, आयनिक इंट्रैक्शन क्यों होती है, इसमें जो साइड चेन होती हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती हैं, तो इसमें क्या होगा कि साइड चेन के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे जिसकी वजह से इनमें आयनिक इंट्रैक्शन होगा। और नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आप देख सकते हैं क्यों होती है, ये हाइड्रोजन एटम और किसी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के दरमियान होती है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी सारा वैसे ही है, आर की जगह CH2OH लगे, और OH का H ये किसके साथ बना रहा है, अगला जो अमाइनो एसिड है उसमें जो मतलब कि आर की जगह CH2COOH लगाया है उसके ओ के साथ, ठीक है, तो उसमें इसमें CH2OH लगा है, उसमें CH2 पहले में क्या है CH2OH, दूसरे में CH2COOH, तो इसका H और उसका O, ठीक है, इसके दरमियान हो रही है। नीचे एक रिंग बना हुआ है उसमें भी आ, आप देख सकते हैं कार्बन रिंग, उससे N आ रहा है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बाकी सारा वैसे ही है, ठीक है, तो R की जगह जो है यहाँ पर इन्होंने CH2O लगा दिया, तो CH2 का O और इसका रिंग का कि NH का H, ठीक है, तो इसके दरमियान हो रही है। नेक्स्ट डाइसल्फाइड ब्रिंचेस हैं, ये किसके दरमियान होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन की जो सिस्टीन वाली अमाइनो एसिड होती हैं उनके दरमियान, तो सिस्टीन वाले में आप देखें कि R की जगह जो है उन्होंने CH2S लगा दी है, और उसमें भी R की जगह CH2S लगा है, तो ये इनके दरमियान है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो नॉन पोलर अमाइनो ग्रुप के दरमियान होती है, तो इसमें आर की जगह CH CH3 CH3 लगा है, उधर भी CH CH3 CH3 लगा, तो इनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। तो वांडरवाल ट्रांजिएंट डाइपोल बनने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप देख सकते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस सिस्टीन की वजह से आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, CH2S और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर और इसके अंदर CH CH3 CH3, तो ये हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया जिसका हमने क्या देखा था, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बैकबोन होगी और एक या उससे ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगे, और इसमें ये पांच इंट्रैक्शन थे हमने देखे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और अपने बाकी फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें, बाकी लेक्चर्स इतने लेंथी नहीं होते, ये मतलब कि प्रोटीन का टॉपिक ये था ही कम्प्लेक्स, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अब जो हायर लेवल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो वो तो मतलब सारा देखेगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत लेना है तो वो रोक रोक के मतलब कि मेन पॉइंट्स मेरी इस वीडियो से लेते जाएं। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और अपने बाकी फेलोज से शेयर करना मत भूलें, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।